गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आज मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि कल रात से प्रेशा को हल्का सा बुखार आ रहा है। कल से वो स्कूल से आई है, तब से बहुत ज़्यादा ऐसे लेजी सा। इनफैक्ट वो आई और आके सोफे पे सो जाना, फिर मैंने उसे उठाया, दूध पिया, दूध पीने की भी स्पीड उसकी बहुत धीरे थी, उसको हल्का कोल्ड भी हो गया। बच्चों को अगर आपके छोटे बच्चे हैं और अगर वो बीमार होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है, और बच्चों की हरकतों से ही आपको समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत है, शायद ये कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये कुछ हुआ है इसे, या इसका मूड ऑफ है, पता नहीं क्यों। वो थोड़ी सुस्त लग रही थी, मुझे लग तो रहा था उसकी हरकतें देख के, पर फिर भी मैं प्रे कर रही थी कि बस उसे बुखार ना आए। और कल रात को जब हम लोग सोने जा रहे थे, रात को 10 बजे उसे हल्का बुखार आया और मैंने उसे आइबुप्रोफेन दी, थोड़ा सा विक्स वगैरह लगाया, हल्दी तो दे ही रही हूँ मैं, हल्दी बंद नहीं करी है। और रात को 2 बजे वो फिर उठी, फिर उससे बुखार आ गया। यानी 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो सफ़र था उसमें उसका बुखार उतरा भी और उसे फिर वापस से आ गया। यह असर नहीं कर रहा आइबुप्रोफेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो फिर उठी, फिर उसकी नाक बंद हो रही थी, मैंने उसे बाथरूम करवाया, नाक छिड़कवाई और उसे पानी पिलाया, थोड़ी देर लेके बैठी रही ताकि वो बैठे बैठे मेरी गोद में सोए, ताकि उसे अच्छा लगे। तकिए पे सोती है तो उसकी नाक बार बार बंद हो रही है। फिर उसके बाद 4 बजे फिर उठी, फिर उसे अच्छा नहीं लगा प्रिशा को, तो फिर मैं उसको लेके बैठी, उसकी नाक बंद हो रही थी, फिर वापस वो उठी, मैं भी उठी, और ना उसकी नींद पूरी हुई है ना मेरी नींद पूरी हुई है। और आदि सो रहा था लेकिन उसे बार बार आवाज़ सुनाई दे रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसे तो दूर ही सुलाते हैं हम लोग, अगर उसे भी हल्का बुखार आ गया तो दोनों बच्चों का ऑफ हो जाएगा। और अभी स्प्रिंग टाइम लग रहा है, हालांकि एलर्जीज वगैरह भी चल रही हैं बहुत सारी जगह, और अभी मास्क बंद हुए हैं तो उसके कारण भी बहुत टेंशन है। तो पूरी रात हमारी ऐसी ही निकली है, मेरी और प्रिशा की। अभी वो सो रही है, इसीलिए मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया आपको कि वो सो रही है, लेकिन उसको मैंने अच्छे से स्वेटर, जैकेट, वेक्स, हल्दी, आइबुप्रोफेन, जो मैं कर सकती हूँ, जो मुझे पता है वो मैंने करा है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जैसे आप लोगों के परिवार हैं वैसे हमारे परिवार हैं। थोड़ी टेंशन में हूँ पर मॉनिटर कर रही हूँ, पर मुझे मालूम है वो ठीक हो जाएगी। बीमारी में जैसे अपना शरीर दर्द करता है, हम बड़ों का दर्द करता है, वैसे ही छोटे छोटे बच्चों का भी शरीर दर्द करता है, उन्हें भी हेडेक होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, मूड ऑफ रहता है, वही दिमाग में चल रहा है अभी। उसको रिलैक्स करने दूंगी, प्रेशर को जितना सोएगी उतना उसके लिए अच्छा है। गाड़ी चालू कर देते हैं, गाड़ी गर्म हो जाएगी। बच्चों के डैडी तैयार हो रहे हैं बेचारे, वो भी एक बार का रात को उठे थे देखने के लिए कि क्या हुआ, और फिर वो दिन भर बाहर रहते तो उनको इंगेज भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो जग ही रही हूँ। वो अभी तैयार हो रहे, गाड़ी गर्म हो जाएगी फिर आदि को छोड़ के आती हूँ। मान आदि, सिट डाउन, हियर आदि, टेक योर बैग,
चलिए आदि को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। राइट आदि, से गुड मॉर्निंग एवरीवन। Thank you. Bye. See ya. Morning. Morning. आदि को जस्ट छोड़ा है अभी स्कूल में, अब जा रही हूँ घर। बाहर का मौसम सीवियर कोल्ड हो रहा है। अपने आप को अच्छे से पैक करने के बावजूद इतना सर चढ़ गया है। आई होप प्रेशर ठीक हो जाए जल्दी। बच्चों की जरा सी तबीयत खराब होती नहीं है कि मम्मी पापा का सबका मूड खराब हो जाता है। छोटे छोटे भाई बहन का भी खराब हो जाता है उसके। चलिए पहुंच गई हूँ घर। आजा मेला छोनू, ओले मेला छोनू, पीछे मेला छोनू। छह मेला पीता मेला छोनो मेला छोनो आगे करो हाथ हाथ आगे करो मेला छोनो के छह मेला पीता। आर यू ओके, फीलिंग बेटर? इसका बुखार तो उतर गया है, अभी मैंने छू के देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इसका बुखार तो उतर गया है। जस्ट अभी उतर के आई है चीकी, राइट प्रेशर? से गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप ठीक हो? टेल टू एवरीवन मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। जूजू पीना? थोड़ा सा जूजू पीना कि थोड़ी देर से पीना? 5 मिनट्स लेटर। 5 मिनट्स लेटर। ओके। अभी उठ के आई है, अभी दूध पीने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि 5 मिनट बाद पीना है कि अभी पीना है, तो ये बोल रही है कि 5 मिनट बाद। तो थोड़ी देर इसको लेके बैठती हूँ, फिर दूध देती हूँ। प्रिशा को मैंने अभी दूध दिया है, प्रिशा अभी ठीक महसूस कर रही है, तो मैंने सोचा अभी उसको दूध दिया है, 5-10 मिनट की देर है, आधे एक घंटे की, तब तक मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। ऊपर आई हूँ, कंबल वगैरह सब घड़ी कर रही हूँ, बाथरूम भी क्लीन करना है। बस थोड़ा सा दिमाग में चलता रहेगा कि प्रिशा ठीक हो जाए, बाकी काम तो चलते रहेंगे, काम कोई रुकेंगे नहीं। पर अभी उसको अच्छा लग रहा है, वो थोड़ी एक्टिव है। मैंने यही सोचा दिन भर में ना उसको बिजी रखूंगी, थोड़ा सा एक्टिव रखूंगी ना, तो उसे भी अच्छा लगेगा और जल्दी रिकवर भी हो जाएगी और मेरी भी टेंशन खत्म होगी। और कल वो स्कूल चली जाएगी, स्कूल तो भेजना जरूरी है क्योंकि अभी थोड़े दिन में ना बच्चों के स्प्रिंग ब्रेक आने वाले हैं, और स्प्रिंग ब्रेक से पहले ना
बच्चों को जितना स्कूल वगैरह में जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। स्प्रिंग ब्रेक के बाद तो स्कूल ईयर है ना इतना धीरे धीरे स्कूल चलाएगा, कुछ कोर्स भी ज्यादा कंप्लीट नहीं करेंगे वो लोग, तो जो पढ़ाई है बस अभी स्प्रिंग ब्रेक से पहले। स्प्रिंग ब्रेक के बाद पढ़ाई हल्की हल्की हो जाती है, स्लो हो जाती है। और अभी फ्राइडे को ना प्रेशर का स्कूल में पिक्चर डे भी है, तो अच्छा है पिक्चर डे भी हो जाएगा तो थोड़ी एक्टिव रहेगी ना, तो उससे भी अच्छा लगेगा और मेरी भी टेंशन थोड़ी कम होगी। फिर उसके बाद तो अगले साल से फर्स्ट में आ जाएगी प्रेशर। नहीं जल्दी टाइम बीत जाता है ना, साल कहाँ बीत गया आप लोगों के साथ बात करते करते पता ही नहीं पड़ा। देखिए और हम लोगों की दोस्ती भी एक साल की हो गई है, अब तो डेढ़ साल की हो जाएगी जब गर्मियां लगेंगी, तब एक अलग ही बात होगी। चलिए यहाँ का कमरा भी साफ हो गया आप लोगों से बात करते करते, तुम भी साफ कर देती हूँ लगे हाथों। बाथरूम भी ज्यादा कुछ गंदा नहीं है, कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसे फटाफट से रख देती हूँ, जैसे कि टॉवल वगैरह, बाथ टॉवल ही यूज करने लग जाते हैं सब। जरा सा एक आधी कोई सा ही कोई गीला होगा उसके बाद बाथ टॉवल चालू कर देते हैं। चलिए ये भी साफ करती हूँ। जस्ट अभी हाल यहाँ का मैंने झाड़ू लगाया है तो मैंने सोचा कि अभी झाड़ू लगा दिया तो लगे हाथों तो ये भी कर ही देती हूँ। आजकल ना इतनी आसानी हो गई है, जब झाड़ू लगाओ ना तब मन करता है कि एक बार का ये वाला पोछा तो लगा ही दो, इतनी इजीली लग जाता है, फटाफट सूख भी जाता है। तो ये किचन तो आजकल ऐसा क्लीन रहने लग गया, ऐसा झकर पकर, बिल्कुल ऐसा लगता है नए घर में ही मूव हुए हो, इतने नई नई फ्लोरिंग लगती है सच्ची में। इससे ना बहुत आसानी हो गई। चलिए ये यहाँ पे भर गया है, फटाफट से स्टीमर चला देती हूँ, सूख भी जाएगा। प्रिशा को अभी बेटर लग रहा है, उसको मैंने उधर बिठाया है, खाना हम दोनों का हो गया था। अब थोड़ी देर बाद जब मेरा यहाँ का मॉप हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी और नहा भी लेंगे हम दोनों उसके थोड़ी देर बाद। आधी का आने का टाइम हो जाएगा, यानी एक डेढ़ घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता है, काम करते करते ना इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है और इतने सारे काम भी हो गए उस बीच में। यहाँ की भी सफाई कर ली, ऊपर का बेडरूम क्लीन कर लिया, ह्यूमिडिफायर में थोड़ा सा पानी रिफिल कर दिया, बेडरूम क्लीन कर दिया, बाथरूम क्लीन कर दिया और खाना भी हो गया था हम दोनों का। रोटियां बनानी थी, दाल तो रखी हुई थी और आज ना प्रिशा के गले में हल्का सा दर्द है तो मैं सोच रही हूँ या तो मूंग दाल फिर से बनाऊंगी या फिर खिचड़ी चढ़ा दूंगी प्रिशा के लिए, और फिर बच्चों के डैडी से मैं पूछ लूंगी कि उन्हें कुछ और चाहिए क्या खाने के लिए, कि वो भी खिचड़ी खाएंगे। तो डिपेंड करता है, तो हम सबका बहुत सिंपल सा खाना है, कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है और ज्यादा खाना बनाने का हम लोग इतना कुछ रखते भी नहीं है, वीकडेज का टाइम है। और ऑफ कोर्स एक जने को घर में अगर कोई मुसीबत होती है या ऐसा खाने का मन नहीं करता तो हम सबका भी ऐसा कुछ ज्यादा फैंसी खाना खाने का मन नहीं करता। चलिए यहाँ का मॉपिंग हो जाए उसके बाद ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे, फिर आदि को पिक करने का टाइम हो जाएगा।